बैक टू अज़रा खान फिटनेस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक क्लाइंट का सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी सुन के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको मोटिवेशन की कमी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वेदर आप अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स की नहीं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप डाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर मेरी क्लाइंट की स्टोरी सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप अपने वेट लॉस जर्नी में आगे प्रोग्रेस कर पाए। हाय, आई एम अज़रा खान, आई एम अ डाइट कंसल्टेंट और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं डेली अपनी या अपने क्लाइंट्स की अपडेट्स देती हूँ आपको, सो दैट यू गेट मोटिवेशन टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की जिंदगी में। हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, बैठे रहते हैं 8 से 9 घंटे, अपने लिए इतना वक्त नहीं निकाल पाते, अपनी हेल्थ को हम प्रायोरिटी नहीं बना पाते, उसके अलावा बाकी सारी चीजों को हम प्रायोरिटी बना लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्योंकि हेल्थ अगर सही है तभी हम जो चीजें स्ट्रगल करके कमा रहे हैं उसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर हेल्थ सही नहीं है तो हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते। वुमेन अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडियन वुमेन 80% ऑफ इंडियन वुमेन जो है वो अनहेल्दी हैं, ओबीस कैटेगरी में आती हैं। 3 in every 5 वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम PCOD। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो एक्चुअली में रियल है और आपको इस चीज से परेशान होना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की टुवर्ड्स काम करना चाहिए अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में वेट लॉस एक पर्क है, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा और भी पर्क्स है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं, डाइट सही करते हैं, वर्कआउट सही करते हैं, तो ओवरऑल आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल, PCOD ये सब की प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ेगा। सो टेक अ मोमेंट एंड थिंक वेदर यू आर टेकिंग इनफ मेजर्स हेल्थ हेल्दी और नॉट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। माई क्लाइंट नेम इज इफ्रा एंड उन्होंने मुझे दिसंबर में ज्वाइन किया था, उनकी अप्रैल में शादी है, तो उन्होंने उसी वजह से मेन चीज थी कि उनको वेट लॉस करना था और इसलिए उन्होंने मुझे एनरोल किया। दिसंबर में जब उन्होंने मुझे एनरोल किया शी वॉज समवेयर अराउंड 73 kgs और अब उनका वेट 62 है। बहुत जल्दी उनका अभी मैं उनको एक ब्राइडल डिटॉक्स मंथ प्लान में डालने वाली हूँ जिसमें उनका वेट 3 से 4 किलो और कम होगा प्लस ग्लोइंग स्किन, वो अलग एक प्लान है। बट उन्होंने 2 महीने में 10 से 11 किलो वजन कम किया, 11 kgs उन्होंने वजन कम किया इन 8 weeks, 2 महीने में पूरे नहीं 8 हफ्तों में। शी इज अ वर्किंग वुमन, उन्होंने उनकी नाइट ड्यूटी लगती है, वो रात को जाती हैं अपने काम पे, दिन में सोती हैं, यानी जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल का दिन सुबह शुरू होता है, उनका ऑफिस के आवर्स ऐसे हैं कि वो शाम से रात तक काम करें। व्हेन शी एनरोल्ड मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको मील प्रेप करना पड़ेगा, अपना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टाइमिंग्स उनके हिसाब से ही वर्क करूंगी, जब उनका ऑफिस होता है कब सोती है कब उठती है उस हिसाब से ही मील प्लान रहेगा, पर मील प्रेप करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। वो बंदी सोती थी रात, सुबह 4 बजे सोती थी, तो जब वो उठती थी उसके बाद अपने मील्स प्रिपेयर करती थी, वर्कआउट करती थी और तब शाम को 6-7 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलती थी। दिस इज हाउ डेडिकेटेड शी वॉज। तो वेट लॉस जर्नी में कभी भी ये मत समझिए कि आसान रास्ता होगा, इट इज द वेरी टफ जॉब, बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं और आप हेल्दी फिट लाइफस्टाइल अडेप्ट करना चाह रहे हैं। शुरुआत में ज्यादा मुश्किल आती है और इस लाइफस्टाइल के साथ जिस तरह का इफ्रा का लाइफस्टाइल था, डेफिनेटली उसने बहुत ज्यादा मेहनत की एंड दैट इज व्हाई उसने अपना ड्रीम बॉडी अचीव किया है। स्टिल अभी वो घर गई हुई है, मेरी उससे बात हुई थी एंड शी वाज लाइक उसका वेट कंसिस्टेंट है, उसने 2 हफ्तों से कोई वर्कआउट नहीं किया है, 2 हफ्तों से वो इतना ज्यादा डाइट, ऑब्वियसली अब उसको ज्यादा नॉलेज है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट प्रॉपर डाइट वो फॉलो नहीं कर रही है। वो मार्च में मुझे फिर से 1 महीने के लिए ज्वाइन करेगी, अप्रैल में उसकी शादी है तो 1 मंथ का उसका ब्राइडल प्लान चलेगा, बट उसके अलावा अभी उसका वेट मेंटेन्ड है, उसने कोई क्रैश डाइटिंग नहीं, इस वजह उसका वेट अब तक मेंटेन्ड है और वो सस्टेन कर पा रही है। पर इसके लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत वक्त ऐसे आते थे जब वो ऑफिस से आती थी उसको मन नहीं करता था अगले दिन मील प्रेप करने का, कभी कभी वो डिमोटिवेट भी होती थी, गिव अप भी करती थी कि वजन कम नहीं हो रहा है क्या फायदा, लेकिन शी वेंट बैक ऑन ट्रैक थोड़ा सा समझाने के बाद एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन हर, यू कैन सी द चेंज इन हर पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। ये उनका पिक्चर था व्हेन शी स्टार्टेड एंड दिस इज हर नाउ। और अभी मैं एक क्लिप इंसर्ट करूंगी जो इफ्रा, शी इज वेरी स्वीट, मैंने उनसे बोला कि फिल्म करो, शी वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट और थोड़ा शाय थी,
बट स्टिल शी फिल्म अ वीडियो फॉर माय चैनल. आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर. एंड हम लोग देख लेते हैं पहले उसका क्या कहना है एंड देन वी कम. Hi, my name is Ifra and I just wanted to share with you all my loss journey, which would not have been possible if Azra was not there. Thank you, Azra. I mean, I cannot thank you enough. It's been 2 months I have been doing this weight loss journey with her. I enrolled in the program and it was a very impulsive decision. One day I was coming back from my hometown to Delhi. I work here, and then so impulsive ki I was following Azra on YouTube and Instagram for a while, right? So what for me, my marriage is in April and I wanted to lose a lot of weight. Main around 73 thi. See, now it is embarrassing. That's okay, you should love your body. So I was around 73 and for me to lose a little weight before my wedding was really important. And that day I have so many things, I had so many things in my mind. So sabse pehle main personal writing, maine Azra ko uski thodi do teen videos dekhi and I just maine unhe seedha Instagram pe message kar diya ki yaar I want to enroll in your program, and she instantly replied. I don't know how it happened. I didn't even take 5 full minutes. मैंने पूरे 5 मिनट भी नहीं लगाए. मैंने बोला yeah it's done. We are going to do it for Monday and okay I trust you. Okay चलो ठीक है हो गया. It was done. I enrolled in her program for 1 month. सोचा चलो पहले 1 महीने करके देखते हैं कभी मुझसे dieting वाइटिंग होना. I do night shifts. My shift was from 9:30 to 7:30 in the morning and it was so tiring. But it all went so smoothly that मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर आफ्टर अलमी ऑफ कोर्स. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि उन्होंने मेरा मुझे इतना मोटिवेट करा. शी वॉज ऑलवेज देयर. कुछ वीक्स ऐसी थी जब मुझसे वेट लूज नहीं हो पाता था कि मेरा सिर्फ 1 kg या 2-3 दिन तक मेरा वेट लूज नहीं हुआ. शी वॉज ऑलवेज लाइक कोई बात नहीं और सो stressing out. Don't stress out. It is going to be fine and you are doing great. मतलब छोटी छोटी चीजों से I used to get really motivated. Now she is a very good friend. I consider her to be a very good friend of mine. After December, I enrolled in January also. हमने मैं नहीं कर पाई क्योंकि you know wedding की थोड़ा तैयारियाँ चल रही हैं. But I wanted to do. Maybe I'll enroll back with her. But this is a very big you know. बहुत बड़ा थैंक यू टू यू अज़रा. थैंक यू फॉर दिस टू ब्रिंग मी टू 62 एंड इट्स बीन 1 week दैट आई हैव नॉट डूइंग डाइटिंग और एनी वर्कआउट. आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइम बट आई एम स्टिल 62 अराउंड 62 एंड 63 एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि व्हेन द डाइट शी गिव यू इज ईजी. यू कैन ईजिली फॉलो देम. मेक फूड एट होम. I mean, if I can do it, anyone can do it, seriously. Like, I didn't have time at all. मैं 6 बजे शाम को उठती थी. 6:30 बजे से मेरे पास वर्कआउट का शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था. आई जस्ट वैन मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता अपना डिनर जो भी मुझे करना होता था मैं सब बनाती थी पैक करती थी. माई कैब यूज टू कम एंड पिक मी अप 7:30 और 7:45. उससे पहले मुझे सब कुछ रेडी करना पड़ता. जब मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक एनी वन पीपल हु डू नॉर्मल शी कैन डेफिनेटली डू इट. अगर आपके माइंड में इतने से भी सेकेंड थाट्स हैं इसको लेके देन प्लीज डोंट हैव एनी सेकेंड थाट्स. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी मैंने सजेस्ट करा है. इवन माई फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माई हैव ऑल्सो इनरोल्ड इन इट. इफ यू हैव एनी सेकेंड थाट्स प्लीज डोंट हैव एनी सेकेंड थाट्स. गो एट वर्क विद हर. शी इज ब्यूटीफुल. माई फैमिली इज सो हैप्पी. Happy year. I went home after 2 months and like, oh my god, what happened to you? My office people are like, oh my god, what happened to you? I'm really nice. And it boosted my confidence also. And again, special thanks to you, Azra, and I wish you all the very best. You're going to go a long way for this. Thank you. तो ये थी इफ्रा की स्टोरी. ये आपकी भी स्टोरी हो सकती है. आपको सिर्फ मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ एंड आप अचीव कर लेंगे अपना गोल. वेट लॉस वन ऑफ द इजिएस्ट गोल्स है अचीव करने के लिए हमारी लाइफ में. हम लोग बहुत ज्यादा गोल्स अकम्प्लिश करने के लिए
सोचते हैं कि ये करना है ये करना है ये करना है थ्रू आउट आवर लाइफ, और उसमें अगर आपका गोल में कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल है, वेट लॉस है, तो वन ऑफ द मोस्ट इजी अचीवेबल टारगेट्स होता है वेट लॉस. कुछ सेट रूल्स है, उसको फॉलो करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स. इसमें किस्मत और लक का 0% काम है, तो इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि किस्मत खराब थी इसलिए नहीं हुआ, जैसे और चीजों में हम लोग थोड़ा बहुत ब्लेम कर सकते हैं. तो मेहनत करनी है, डटे रहना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन. मैं एम्फसाइज नहीं कर सकती कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अडेप्ट करते तो आपका पूरा लाइफ रुइन हो जाएगा. आप पहली बात तो ये कि आपकी हेल्थ एट स्टेक आ जाएगी आपका. और दूसरी चीज ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सब लोग कॉन्फिडेंट, ग्लोइंग, स्मार्ट, एलिगेंट लगना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं जब आपका वजन बढ़ा रहता है और आप उस वजन के साथ कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप एंटी सोशल हो जाते हैं. तो इन सब चीजों को हटाने का यही एक तरीका है कि आप फिट लाइफस्टाइल की शुरुआत करें आज से और अभी से. आप 10 किलो 10 दिन में कम करने का टारगेट ना रखें, आप 1 किलो 1 हफ्ते में कम करने का टारगेट रखें, और जब वो अचीव करेंगे आप तो आपको बहुत खुशी मिलेगी. 10 दिन में आपका 10 किलो वजन नहीं बढ़ाता, तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 10 दिन में वजन 10 किलो कम हो जाएगा. बी पेशेंट, गिव योर बॉडी टाइम एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट. ये थी इफ्रा की स्टोरी. आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला हो. अगर आप मेरे क्लाइंट बनना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप नो मैटर क्या जॉब करते हैं, नो मैटर आप किस फील्ड में, आपको मील प्रेप करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको मेरी बात सुननी है, और फिर आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं आपको दूंगी. इट इज अ टीम वर्क. मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, आपका पूरा साथ चाहिए. मैं आपको गाइड करूंगी, आपको उस पे काम करना है. हम लोग मिलके एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, और मे बी हु नोज आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही मेरी नेक्स्ट स्टोरी हो, यू नेवर नो. So with that, I come to the end of this video. I hope you get inspired by this video. I hope you get inspired by Ifra. And agar aapko pasand aaya ye video, to give it a big fat thumbs up and subscribe to my channel to stay tuned for more health and fitness videos like these. I'll see you guys super soon in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.